गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। कल हमने इंग्लिश रीडर में लेसन नंबर 10 रीड किया, द ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के महान बेटे। तो आज हम इसे कंप्लीट रीड करेंगे। यहाँ तक हमने किया था, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ से करेंगे। द अदर रेवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया, सुखदेव वाज बॉर्न इन लुधियाना ऑन 15 मई 1907। इंडिया के दूसरे क्रांतिकारी जो हैं वो सुखदेव थे, जिन इनका जन्म लुधियाना में 15 मई 1907 को हुआ। द नेम ऑफ हिज फादर वाज रामलाल थापर, इनके पिता का नाम रामलाल थापर था। ही मेट भगत सिंह एंड टुक ऑन ऑथ टू डाई फॉर हिज कंट्री, ये भगत सिंह जी से मिले और इन्होंने देश के लिए मरने के लिए शपथ खाई। सुखदेव वाज ए रियल वैलियंट, सुखदेव बहादुर थे। वंस व्हेन ही वाज इन बोस्टल जेल इन लाहौर, ही वाज ऑन ए हंगर स्ट्राइक, एक बार जब इन्हें बोस्टल जेल में डाला गया तो इन्होंने वहाँ पर भूख हड़ताल की। फॉर ए कपल ऑफ डेज ही डिड नॉट ईट एनीथिंग, और दो दिन तक इन्होंने कुछ नहीं खाया। ही वाज फोर्स टू ड्रिंक मिल्क, इन्हें दूध पीने के लिए फोर्स किया गया। यंग सुखदेव वाज ए मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन, सुखदेव जब यंग थे तभी से ही वो बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले थे। ही वाज अ डिसिप्लिन एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत ही डिसिप्लिन में रहते थे, जो भी वहाँ पर जहाँ काम करते थे वहाँ पर भी वो बहुत डिसिप्लिन में रहते थे। इफ़ भगत सिंह वाज अ लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और अगर किसी संगठन में भगत सिंह जी लीडर थे, सुखदेव वाज एफिशिएंट कोऑर्डिनेटर, तो सुखदेव जी उस काम को बहुत ही कुशल तरीके से करते थे। वंस ही पोर्ड नेट्रिक एसिड ऑन हिज आर्म टू गेट रिड ऑफ हिज नेम टैटू ऑन इट, एक बार उन्होंने अपनी बाजू पर से अपना नाम का टैटू हटवाने के लिए अपनी बाजू पर उन्होंने नेट्रिक एसिड भी गिरवाया। नॉट ओनली दिस, ही बर्न हिज हैंड टू रिमूव ऑल साइंस टू हिज नेम फ्रॉम इट, और जिनकी वजह से वो नेम हटवाने के लिए उनका हाथ भी जल गया। हिज फियरलेसनेस, ब्रेवरी एंड पेट्रोटिज्म आर वर्दी ऑफ एडमायरेशन, जो कि उस संगठन के लिए उनका निडर होना, ब्रेवरी, बहादुरता और उनकी देशभक्ति जो है वो बहुत ही योग्य थी। सुखदेव वाज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद लाहौर कॉन्स्पिरेसी, लेटर ही वाज हैंग्ड, और उन्हें लाहौर में अरेस्ट किया गया। एक साजिश उनके लिए रची गई जहां उन्हें अरेस्ट किया गया और फिर उन्हें ही वाज हैंग्ड, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। द थर्ड रेवोल्यूशनरी हु वाज हैंग्ड विद सुखदेव एंड भगत सिंह वाज शक्तिपद राजगुरु। थर्ड क्रांतिकारी जो थे जिन्हें उनके साथ में सुखदेव और भगत सिंह के साथ फांसी पर लटकाया गया था, वो थे शक्तिपद राजगुरु। हु वाज बॉर्न ऑन 15 अगस्त 1908, इनका जन्म 15 अगस्त 1908 में हुआ इन पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में। हिज फादर वाज हरिनारायण राजगुरु, इनके पिता का नाम हरिनारायण राजगुरु था। राजगुरु वाज ऑल्सो फुल ऑफ रेवोल्यूशनरी जील एंड ही ज्वाइन भगत सिंह, इनके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी के लिए जोश था और ये भगत सिंह को इन्होंने ज्वाइन किया। ही असिस्टेड भगत सिंह इन मैनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, और भगत सिंह जी ने इन्हें बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भी शामिल किया। वंस ही वाज टू ब्लास्ट द गवर्नर एट पुणे रेस कोर्स, बट सम इन्फॉर्मर क्रिएटेड हिम एंड ही वाज अरेस्टेड, एक बार इन्होंने पुणे रेस कोर्स के में इन्होंने ब्लास्ट में ये शामिल हुए, बट वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मर्स ने इनके साथ चीट कर दिया और इन्हें अरेस्ट करवा दिया। ही वाज देन ट्राइड टू फॉर मर्डर एंड वाज फाउंड गिल्टी, फिर इनके लिए मर्डर का इनके लिए ट्राई किया गया, इन पर केस किया गया, बट ये निर्दोष निकले एंड ही वाज आल्सो हैंग्ड, तो वहाँ पर इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। दीज थ्री यंग मैन सेट एन एग्जांपल ऑफ फियरलेसनेस, करेज, पेट्रोटिज्म एंड सेक्रीफाइस, जो ये जिनके बारे में हमने पढ़ा, ये तीन यंग मैन थे हमारे लिए एग्जांपल हैं, जो कि बिना डरे बहुत ही साहस के साथ देशभक्ति और इन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया। दे वर सेंटेंस्ड टू डेथ बाय हैंगिंग बट दे डिड नॉट केयर, इन्हें फांसी पर लटका दिया गया बट इन्होंने अपनी कोई परवाह नहीं की। दे वर हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931, इन्हें
23 मार्च 1931 को फांसी पर लटकाया गया, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट दे डाइड सो दैट वी कैन लिव, हम इन्हें कभी भी नहीं भूल सकते, ये मर कर भी आज भी हमारे लिए जीवित हैं। ओके, थैंक यू।